तो बच्चों आपको टेबल पे क्या दिख रहा है? हाँ, ये क्या है? दवाई है। और ये क्या है? क्रीम। कौन सी क्रीम है ये? बोरो प्लस। और ये कौन, ये क्या है? पाउडर है। और ये क्या है? क्या है? सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर कब यूज करते हैं? हट जाते हैं, कीटाणु भाग जाते हैं। जब कोरोना बहुत फैला हुआ था तब क्या बताया जाता था कि हैंड्स को अच्छे से वॉश करें, और जब पानी और साबुन पास में ना हो तब सैनिटाइजर की मदद से अपने हाथ को साफ करते थे, है ना। और ये क्या है? हल्दी है। और ये क्या है? ये क्या है? ये विक्स का इनहेलर है। जब जुकाम हो जाता है और नाक बंद हो जाती है तो इसको क्या करते हैं? लगाते नहीं है, इसे क्या करते हैं? सूंघते हैं इसे, ठीक है। क्या करते हैं? हाँ, तो आज हमें यही करना है, ठीक है, सूंघना है। और आप कैसे सूंघते हो, कहाँ से सूंघते हो? नाक से सूंघते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कुछ खुशबू ऐसी होती है जो हमें अच्छी लगती है, और कभी कभी बदबू भी तो आती है जो हमें नहीं अच्छी लगती। तो आपको मुझे बताना है कि किसकी खुशबू आपको अच्छी लग रही है और कौन सी महक आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। पहले मुझे हल्दी को स्मेल करके बताओ। नहीं अच्छी लग रही, मगर हल्दी की स्मेल तो अच्छी होती है। पर यही होता है ना कि हमें कोई कोई महक किसी किसी को अच्छी लगती है। जैसे मुझे हल्दी की, मुझे हल्दी की महक अच्छी लगती है, और अनामिका को हल्दी की महक अच्छी नहीं लगती है। अच्छा देखो, इसको स्मेल करो, ये क्या है? पाउडर है। मैं सबको दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ये महक रहा है, कैसी लग रही है इसकी स्मेल सबको? खुशबू अच्छी लग रही है। और ये सैनिटाइजर, इसकी स्मेल कैसी लगती है? इसे खोलो। हाँ, इसको स्मेल करो, कैसी है इसकी स्मेल? बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, तो किसी किसी सैनिटाइजर की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, और किसी किसी में वो अच्छा सा सेंट रहता है, वो अच्छा लगता है। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है, आप जब आते हो तो घरों के पास जो नालियाँ रहती हैं उनसे कैसी स्मेल आती है? क्यों ना, बदबू आती है ना। हाँ, तो वो हमारी नाक को पसंद नहीं आती है, है ना। तो यही फर्क होता है खुशबू में और बदबू में। जो खुशबू होती है वो हमारी नोज को अच्छी लगती है, और जो बदबू होती है वो हमारी नाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है।